आवाज पूरी मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मोदी सरकार मुर्दाबाद 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद मोदी सरकार मुर्दाबाद 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद 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 मजदूर एकता जिंदाबाद 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 मजदूर एकता जिंदाबाद 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 केंद्र सरकार मुर्दाबाद 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 पेट्रोल डीजल की कीमत कट देश अंदर लगातार वध रही महंगाई दे चलदियां अज जिला फाजिलका दे कांग्रसियां वालों स्थानक डिप्टी कमिश्नर दफ्तर दे बाहर धरना लाया गया। इस धरने की अगवाई फाजिलका तो साबका विधायक सरदार दविंदर सिंह कुबाया उन्हां दे नाल समरबीर सिंह सिद्धू साबका एमपी शेर सिंह कुबाया साबका एमपी सरदार मोहन सिंह फलियांवाला नगर कौंसल प्रधान एडवोकेट सुरेंद्र सचदेवा कौंसलर जगदीश बजाज अश्विनी कुमार जगदीश बशवाला महावीर प्रसाद अमन दुरेजा राजेश ग्रोवर समेत कई कांग्रेसी आगू पुजे। इत्थे बोलदे हुए वख-वख आगुआं ने की कुछ कहा सब कुछ जानने लई साडे नाल बने रहो अते साडी पूरी कवरेज प्रधान जी अज किस गल नूं लैके धरना लगाया गया जी केंद्र दी मोदी सरकार दे वल्लों जिस तरीके दे नाल महंगाई दिन ब दिन वधदी जा रही है और रोज़मर्रा दियां जिहड़ियां चीज़ां ने वह भी आम परिवार खरीदन तो मुहताज होंदा जा रहा है और इसका कारण सिर्फ और सिर्फ इको ही है कि डीजल पेट्रोल और गैस के जो रेट वधे ने जदों डीजल और पेट्रोल के रेट वधनगे तो बट नैचुरल है महंगाई जिहड़ी है आसमान नूं छुवेगी। अज डीजल पेट्रोल और गैस के रेटा दे जो वाधा होया उस दे विरोध दे विच कांग्रेस पार्टी दे वल्लों जिहड़ा ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और मैं तमाम कांग्रेसी परिवारों का तमाम कांग्रेस साथियों का पंचा सरपंचा का और जो उचेचे तौर पर सरदार मोहन सिंह जी फलियां वाले सरदार समरबीर सिंह जी और राजबख्श कंबोज जी पहुंचे है उन्हों का जिहड़ा है मैं नगर कौंसल फाजिलका के समस्त कांग्रेस कौंसलर वालों दिल दिया गलियों तो वेलकम करता और धन्यवाद करता। यह धरना जिला पद्धर से लगाया गया या फाजिलका पद्धर से? यह जिहड़ा है फाजिलका लैवल के उपर है लेकिन असी जिहड़े है जिले के बाकी नेतावां नूं इत्थे जरूर बुलाया सी। अज्ज है कि जे मोदी सरकार ने सिलेंडर के रेट ना घटाए तो वह दिन दूर नहीं जो दोबारा औरतां चूल्हा बालने वास्ते मजबूर हो जाएगी। देखो महंगाई दिनों दिन वधी जाती है तो सेंटर की गूंगी बोली सरकार को पता नहीं लग गया लग रहा भी आम लोग किमें आपका खर्चा पूरा करते हैं। चोणा टपदियां जाए चोणा तिकर का रेट बधाए नहीं जाते चोणा टपद सार हर रोज़ आप देखते हैं कदम 50 पैसे कद 80 पैसे रेट बधाई जाते हैं। सो वो करके सारी जिनी भी अपनी कमोडिटीज़ है सारा ही असर पै रहा है। सो वो रोष वजो असी अज सेंटर की सरकार ने अखा खोलन वास्ते डीसी दफ्तर सामने धरना धरना जिला लैवल का लग्या जी फाजिलका लैवल का धरना मेरे हिसाब से जलालाबाद वाले साथी भी आए हैं दो हल्क का लगता मैं ज़्यादा इस बारे नॉलेज नहीं। तुम की मांग करना चाहते हो सेंटर सरकार से? मैं केंद्र सरकार तो मांग करता भी डीजल का रेट रोलबैक किया जाए ये टैक्स घटाया जाए तो नाल ही मैं सूबा सरकार तो भी ये मांग करता भी जो इन्हों के हिस्से टैक्स है उन्होंने भी घटाया जाए ता कि लोगों को सोच करे। केंद्र जी अज के प्रदर्शन बारे की कहना चाहोगे जी अज ज खिलाफ केंद्र सरकार के खिलाफ जरा कांग्रेस पार्टी वालों इतने सारी लीडरशिप ने धरना लाया कि जरा पेट्रोल के रेट डीजल के रेट और गैस के रेट तुम देखे कि जेडे बढ़ गए और आम वर्ग को और हर एक वर्ग को जरा मार पी है और हर हरेक हरेक की जेब से जरा केंद्र सरकार और डाका मार रही है वो खिलाफ जरा अभी अभी रोस प्रदर्शन नीति किस नजरिए देखते हो जी? देखो जी उन्होंने बड़े वादे करके और बड़े चूक मार के सरकार बनाई है और हजे महीना ही नहीं होया वो तो कहते कि अभी पंजाब से कहीं धरना नहीं लगन देंगे एक महीना नहीं होया लोग टैंकियां ते चढ़ गए मंत्रियों के बूहों के अगर धरने लग गए और कोई भी सिर्फ एक ऐलान करन तो सिवा कोई एक भी काम इस सरकार ने अजे आ महीने के नहीं किया और थोड़े सामने सारा कुछ आ गया और ये झूठ मार के उन्होंने सरकार बनाई है थोड़े दिनों में इन्हों की आवाज़ चंडीगढ़ का मुद्दा बड़ा बनया।
जी पंजाब सरकार है इन स्टैंड लेना पेगा जी स्टैंड ना लैन गए तो कला चंडीगढ़ नहीं पंजाब के पानी भी जाएंगे अजय बीजेपी बीजेपी वाले तो होर भी बड़िया गल् मान रहे सो मैं समझता पंजाब को बड़ा खतरा है और सरकार स्टैंड जो लैना पेगा सारिया पार्टियां पंजाब के नाल खड़िया पंजाब खड़िया ताकि पंजाब से कोई डाका जरा बच ना सके हरियाणा मुख्यमंत्री ने बयान दिता है और सेंटर के जी बीजेपी की सरकार है वो कुछ भी कर सकते हैं इसलिए सारे इकट्ठा होना पैना है और बीजेपी के खिलाफ जी लड़ाई है लड़नी पैनी है बीजेपी कुछ भी कर सकती है। दविंदर जी तुहाडी हार का कारण की समझ ये कि बदलाव लिया बदलाव लिया और बदलाव के नाते और कुछ लोग गुमराह हो गए उन्होंने इन्ने को वादे करते और बदलाव के नाम से मैं समझा कि लोगों ने उन्होंने विश्वास किया और बदलाव थोड़े सामने एक महीने के ही आ गया जो थोड़े दिन रुको अजे और बड़ा मुश्किल कांग्रेस पार्टी भी प्रधान बनाएंगे वेलकम करा कोई साढ़े पंजाब के प्रधान ABN न्यूज़ चैनल देखने वाले सभी दर्शकों से हम अपील करते हैं कि ABN न्यूज़ चैनल पर ऐसी ही लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।